अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रूसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट पेज रीडायरेक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि अपने जावास्क्रिप्ट में पेज को रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली रीडायरेक्शन, पेज रीडायरेक्शन है क्या? हमारे पास समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर हम एक यूआरएल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम एक पेज एक्स से पेज वाई के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो ये किस के थ्रू होता है? ये होता है जावास्क्रिप्ट पेज रीडायरेक्शन के थ्रू। इसको करने के डिफरेंट रीजंस हैं कि पेज रीडायरेक्शन क्यों की जाती है, अपने ओरिजिनल पेज से यूज़र को क्यों रीडायरेक्ट करवाया जाता है। समटाइम्स जैसे इसके एक एग्जांपल ये है कि समटाइम्स ये कि अगर आपने आपके पास एक डोमेन है जिसका डोमेन नेम आपको नहीं पसंद, या आप अपनी डोमेन को शिफ्ट करते फॉर सम अदर रीज़न किसी न्यू डोमेन के ऊपर, तो उस सिनेरियो में हम पेज रीडायरेक्शन को यूज़ करते हैं। जो हमारे जो ओल्ड डोमेन के ऊपर जो हमारे विजिटर्स हैं, जो हमारे यूज़र्स हैं, उनको हम अपने न्यू साइट के ऊपर लाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पेज रीडायरेक्शन को यूज़ करेंगे। तो उसमें हमें क्या है कि हमें अपनी जो ओल्ड डोमेन है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, एक सिंगल पेज ऐड कर देंगे जिसमें पेज रीडायरेक्शन लगी होगी। वो हमारे जितने भी ओल्ड विजिटर्स होंगे या यूज़र्स होंगे उनको न्यू डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट कर देंगे। इसी तरह एक और सिनेरियो है कि अगर हमने डिफरेंट पेजेस जो हैं वो बिल्ड किए हुए हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट ब्राउज़र वर्जन्स के ऊपर और उनके नेम्स के ऊपर, जो कि बेस्ड कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, तो हम इसमें क्या है कि इंस्टीड ऑफ़ यूजिंग योर सर्वर साइड पेज रीडायरेक्शन, हम क्या करेंगे, क्लाइंट साइड पेज रीडायरेक्शन करेंगे। उससे क्या होगा कि जो यूज़र है उसको अप्रोप्रिएट पेज के ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह जो सर्च इंजन्स हैं उसमें जब एक डोमेन से जब दूसरी डोमेन के ऊपर हम मूव करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे विजिटर्स हैं हम उनको लॉस ना करें, यानी कि वो जो हमारे विजिटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम अपने न्यू सर्च इंजन के थ्रू अपने जो नई हमने डोमेन बनाई है उसके ऊपर मूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्लाइंट साइड पेज रीडायरेक्शन को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो पेज रीडायरेक्शन है वो कैसे वर्क करती है, इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में हमने क्या किया, एक फंक्शन रीडायरेक्ट को कॉल किया और उसमें मैंने विंडो डॉट लोकेशन बता दिए कि इस लोकेशन के ऊपर मूव करना है। और जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी तो इनपुट बटन के थ्रू तो जो मेरा पेज होगा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा एक न्यू यूआरएल के ऊपर। तो इस जो हमारी एग्जांपल है इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लिखा है, इसमें जैसे फंक्शन है रीडायरेक्ट का, और इसमें मैंने क्या लिख दिया है, विंडो डॉट लोकेशन, यानी कि विंडो डॉट लोकेशन जो मैं जब मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरी जो लोकेशन हो वो कहाँ पर जाए, विंडो की लोकेशन कहाँ पर जाए। यहाँ पर मैंने एक एड्रेस लिख दिया है, एक यूआरएल लिख दिया है, और फॉर्म में मैंने इस फंक्शन को ऑन क्लिक के ऊपर इस फंक्शन को कॉल कर लिया है रीडायरेक्ट के फंक्शन को। तो अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी रीडायरेक्ट में तो ये मुझे एक न्यू यूआरएल पर ले जाएगा। सो मैं एक न्यू वेबसाइट के ऊपर जो है रीडायरेक्ट हो गई। इसी की एग्जांपल ये है कि अगर हम इसमें कुछ टाइम ऐड करना चाह रहे हैं कि हम एक यूज़र को प्रॉपर्टीट मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं, जो हमारे साइट विजिटर्स हैं, जो हमारे यूज़र्स हैं, उनको रीडायरेक्ट करवाने से पहले, एक न्यू पेज पर ले जाने से पहले कुछ मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं और थोड़ा सा डिले लेके आना चाह रहे हैं न्यू पेज पर रीडायरेक्ट करवाने से पहले, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट में हम इस फंक्शन का नाम बताएंगे जो हमने रीडायरेक्ट का बनाया था, और उसमें टाइम बता देंगे कि टाइम कितने सेकंड्स। तो यहाँ पर 10,000 दैट्स मीन कि जो हमारे पास 10 सेकंड्स का जो हमारे पास डिले आएगा। तो इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दिया है कि यू विल बी रीडायरेक्टेड टू योर मेन पेज इन 10 सेकंड्स। तो यहाँ पर मैंने ये 10 सेकंड्स का डिले डाला है सेट टाइम आउट फंक्शन, जो बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज़ करते हुए, जो टाइम है उसको सेट करते हुए।
अब इसको चेक करते हैं। अब आफ्टर 10 सेकेंड्स ये जो पेज है ये रीडायरेक्ट हो जाएगा न्यू हमारा जो यूआरएल है उसके ऊपर। ये ऑटोमेटिकली जो पेज है आफ्टर 10 सेकेंड्स ये न्यू जो हमारे पास पेज है उसके यूआरएल के ऊपर शिफ्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में पेज रिफ्रेश है जिसमें हम चाहते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट में मौजूद जो कंटेंट है वो रीलोड होने के ऊपर रिफ्रेश हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पेज रिफ्रेश को। तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा कोड जो कोड होगा वो कॉल्ड होगा लोकेशन डॉट रीलोड जो है उसमें ट्रू कर देंगे। इसी तरह ऑटो रिफ्रेश है जिसमें हम चाह रहे हैं कि पेज जो है ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिफ्रेश होता जाए, तो उसके लिए जो बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का सेट टाइम आउट इसको यूज़ करेंगे। तो ये गिवन टाइम इंटरवल के बाद ऑटोमेटिकली पेज को रिफ्रेश करता जाएगा। तो इसके जो एग्जांपल है इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है ऑटो रिफ्रेश का और उसमें मैंने टाइम जो मेरे पास पैरामीटर है वो पास किया, टी एक पैरामीटर है वो पास किया है, और यहाँ पर सेट टाइम आउट मैंने क्या दे दिया है जो मेरे पास ऑन लोड के ऊपर होगा। तो ऑन लोड के ऊपर मैंने जावास्क्रिप्ट में ऑटो रिफ्रेश दिया है 5 सेकेंड्स का, तो ये 5 सेकेंड के बाद जो पेज मेरा है ये रिफ्रेश होता जाएगा। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो है 5 सेकेंड्स के बाद पेज दोबारा रीलोड होगा। तो ये मेरे पास 5 सेकेंड्स के बाद जो पेज है वो रिफ्रेश होता जा रहा है। Oh